आज नामपल्ली स्पेशल कोर्ट जो एमपी एमएलए के जो केस चल रहे उस कोर्ट में मुझे एक साल की सजा सुनाई गई। ये वो केस है 2015 में बीफ फेस्टिवल हम लोग मनाएंगे, उस्मानिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स बीफ फेस्टिवल यानी हम गाय को काट कर उसकी बिरयानी बनाकर हम लोग फेस्टिवल मनाएंगे, इस प्रकार से उनका एक डिक्लेरेशन आया था मीडिया में और पूरी की पूरी तैयारी वो लोग कर रहे थे। तो वही समय पर उस फेस्टिवल के विरोध में एक धरना प्रोटेस्ट कार्यक्रम हुआ था जिसमें हजारों की संख्या में कार्यकर्ता गौभक्त भाग लिए, जिसमें मैं भी भाग लिया। कई कार्यकर्ताओं को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले गया गया। वो पता नहीं कौन से कार्यकर्ताओं को अरेस्ट करके ले गए मुझे पता नहीं, लेकिन वो समय पर कार्यकर्ताओं के साथ में मेरे ऊपर भी एक एफआईआर उन्होंने करके रखी थी बोलाराम पुलिस स्टेशन में। दो साल तीन साल के बाद में मुझे एक नोटिस आया कि आपके ऊपर एक पुलिस स्टेशन में केस बुक हुआ और आपने उस इंस्पेक्टर से अग्रीमेंट किया, इसलिए आपके ऊपर केस बुक हुआ। तो मैंने सोचा कि सोमोटो के अंदर मेरे खिलाफ टीआरएस गवर्नमेंट कई पुलिस स्टेशनों में मेरे खिलाफ केस बुक कर रही है जो मुझे पता नहीं चल रहा। मैं वही सोचकर ठीक है कोर्ट में देख लेंगे बोलकर हम लोगों ने वो समय पर बेल ले लिया था और केस चला तकरीबन 2015 से आज तक केस चला। सो आज कोई विटनेस मेरे खिलाफ नहीं दिया, कोई प्रूफ नहीं हुआ कि मैं इंस्पेक्टर को गाली दिया, कोई लड़े झगड़े में मैं इन्वॉल्व था, लेकिन आज एक साल की सजा मुझे सुनाई गई और 1 मार्च तक मुझे हाईकोर्ट में अपील करने का भी अवसर दिया गया। सो मैं आने वाले समय में हाईकोर्ट ये केस को ले जाऊंगा और मुझे विश्वास है कि मैंने गाय के लिए लड़ाई लड़ी, गौ माता का आशीर्वाद मेरे ऊपर है, हाईकोर्ट में ये केस मैं जीत जाऊंगा, ऐसा मुझे विश्वास है।